इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश, संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको जितना मनोयोग से करेंगे, जितना शुद्धि पूर्वक तरीके से करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में विशुद्धि आएगी। आप तप करते हैं, पूजन अभिषेक करते हैं, गुरुओं को आहार देते हैं, भजन कीर्तन स्वाध्याय करते हैं, और इन सब का मुख्य हेतु आपका हमारे अशुभ कर्मों का नष्ट करना है, नाश करना है, नष्ट करना है, और नवीन अशुभ कर्म ना बने, नवीन शुभ कर्म बने, ये भावना भाना है। लेकिन कई बार जानकर, कई बार अनजाने में श्रावकों के द्वारा ऐसी कई क्रियाएं हो जाती हैं जो उनके जीवन को अशुभ से अशुभता की ओर ले जाती है। जैसे शुद्धि कहाँ कहाँ रखना चाहिए, पहले इस बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे कि हमें शुद्धि को रखना कहाँ कहाँ आवश्यक है। तो पहले तो जब हम भगवान के पास में खड़े हैं, श्री जी का अभिषेक कर रहे हैं, श्री जी की पूजन करने के लिए उद्यत हुए हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें शुद्धि कहाँ कहाँ रखना चाहिए। आज अभिषेक करने श्रावक श्राविका आ रहे हैं, जैसे मंदिरों की व्यवस्था है, और उस समय भगवान जी की प्रतिमा जी आपके सम्मुख विराजमान है, तो आपको जो दोहे पढ़ना है तो कितनी जोर जोर से पढ़ना है, कितनी भगवान की प्रतिमा से दूर रहकर पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब बोलते हैं तो हमारे मुँह से थूक आदि निकलता है। विचारनी बात है कि आप भगवान के पास लेके चिल्लाओगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। आपको दोहे पढ़ना है, व्यवस्था पढ़ना है, आप दूर से पढ़िए। वैसे तो कहा गया है कि गुरु के दर्शन, भगवान के दर्शन आदमी को कम से कम एक हाथ दूर से तो करना ही चाहिए। पैर छूना है, आशीर्वाद लेना, वो अलग चीज़ है। उसका कारण क्या है, एक तो आप गवासन अच्छे से लगा पाओगे, अच्छे से बैठ सकोगे, पंचांग नमस्कार आप कर पाओगे, आदि आदि क्रिया पाओगे। लेकिन आजकल क्या है, आदमी का बस चले ना तो भगवान के बाजू में दूसरी मूर्ति नहीं आए, वही बैठ जाए,
इंसान का बस चल जाए ना। आप कई बार भगवान का अभिषेक कर रहे हो, प्रक्षाल कर रहे हो, भगवान का परिमार्जन कर रहे हो, उस समय ये तो ध्यान रखो कि नीचे भी छोटे वाले भगवान विराजमान हैं, हमारे द्वारा उनका अभिनय तो नहीं हो रहा, उनकी विराधना तो नहीं हो रही। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी। जिनवाणी को उठाते हो, जिनवाणी के सामने पढ़ते समय थोड़ा सा तो जिनवाणी को दूर रखें। कई लोग गोद में ही जिनवाणी को रख लेते हैं, गोदी में रख लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। कई लोग ऊंचे बैठते हैं, जिनवाणी नीचे होती है, ये भी गलत है। हमारे नाभि के ऊपर से ही जिनवाणी होना चाहिए। कहते ना, हमारे नाभि के ऊपर ही जिनवाणी होना चाहिए। यदि ऐसी क्रिया हो रही है, आप ऊंचे बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी टेबल ऊंची होना चाहिए। ऊंचे बैठने में मनाही नहीं है, आपका शरीर अस्वस्थ है, आपके शरीर की क्षमता नहीं है, आप ऊंचे बैठिए, लेकिन उसको कम से कम जिनवाणी को और ऊंचा कीजिए, चढ़ाने वाला पात्र और ऊंचा कीजिए। इतना तो आपको करना ही चाहिए। नाभि के नीचे कम से कम रखकर हमें पूजन की सामग्री को नहीं करना। तो लोगों ने खड़े होकर पूजन चालू कर दी, खड़े बैठे से तत्पर नहीं है। नहीं तो मैंने कहा भाई उपजे होना चाहिए, तो लोग कल से खड़े होकर चालू कर दें। बात खड़े होकर नहीं है, आचार्य कहते हैं कि आपको उस आसन में बैठकर पूजन करना चाहिए जिसमें आपको कोई आकुलता ना हो। आसन कितने तरह के हैं? तीर्थंकर कितने आसन से पहुंच गए? दो से। कौन कौन से? खड़गासन और पद्मासन। दो तरह के आसन जैनागम में बताए हैं, खड़गासन और पद्मासन। एक आसन और है, सेनासन, कि जो सोने की मुद्रा में होता है। खड़गासन और पद्मासन पूजन के लिए बताए गए, लेकिन आजकल तीसरा आसन बहुत चल रहा है। सेनासन नहीं, खड़गासन पद्मासन के साथ में एक तीसरा आसन मंदिर में बहुत चल रहा है। कौन सा आसन है? मुड्डासन, कुर्सी आसन। क्या हो रहा है? मुड्डासन की मुड्डा जो था, मुड्डे पे बैठ रही है। कौन सा आसन है? खड़गासन तो समझ में आता, खड़े हो। पद्मासन मतलब बैठे हो, सुखासन मतलब अच्छे से बैठे हो, लेकिन मुड्डासन क्या है? कई आदमी तो कुर्सी पर बैठते हैं, उनके पैर भगवान की तरफ जा रहे हैं, उनके पैर भगवान जी गुरु की तरफ जा रहे हैं, उनके पैर जिनवाणी की तरफ जा रहे हैं। क्या पुण्य मिलेगा आपको? आपको बैठना है तो पैर पीछे करें। बहुत देर तक बैठे बैठे पैर में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाओ, बाहर फैला लो, लेकिन कभी भी गलती से भी भगवान की तरफ, गुरु की तरफ, जिनवाणी की तरफ इंसान को पैर नहीं फैलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना नितांत आवश्यक। और जब ये कुर्सियां चालू हुई ना मंदिर, जब से पहले मुड्डे तक तो ठीक था, मुड्डे में आदमी को नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि टिकेगा तो पीछे गिर जाएगा, टिकेगा तो पीछे गिर जाएगा, लेकिन आजकल टिकता है पीछे। एसी पंखे कूलर चली रहे हैं, घर से ज्यादा शांति मंदिर में है, महाराज जी प्रवचन सुना रहे हैं, उनको सुन रहा है कि लोरी चल रही है, वो नींद निकाल लेता है। जैसे माँ बच्चों को सुनाने के लिए लोरी सुनाती ना, ऐसे ही लोग सोचते हैं, बोले हमें सुनाने के लिए महाराज जी प्रवचन रूपी लोरी सुना रहे हैं, और आदमी वही नींद निकाल देता है। आवश्यक है सामग्री को चढ़ा रहे हो, आपको सामग्री को शोधन करना आवश्यक है। कि कैसे सामग्री को शोधन करें, उसके बाद आप गुरुओं को आहार देते हैं। आहार के समय भी शुद्धि बोल लीजिए, शुद्धि बोलने के बाद अनावश्यक वार्तालाप ना करें। आपके हाथ में कटोरी है, और यदि आपको कोई चीज बोलना भी है तो कटोरी को साइड में टेबल में रखें, चौकी पर रखें, उसके बाद में बोलें। अधिकांश लोग शुद्धि बोलते हैं, पहले हाथ में कटोरी ले लेंगे और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आगे क्या बोले, काय की शुद्धि, कोई शुद्धि नहीं है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। पहले तो तुम वैसे ही झूठ बोल रहे हो, पहले तो तुम वैसे ही झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? आहार जल, बोलो ना, आहार जल। तुम्हें कैसे पता आहार जल शुद्ध है? तुमने बनाया तो है नहीं। जो बनाता है वह बोले कि आहार जल शुद्ध है तो बात समझ में आ रही। जिसने बनाया नहीं वो भी बोल रहा है आहार जल, कैसे होगा, कैसे पता तुमको? कोई बात नहीं, लेकिन आप जब आहार दे रहे हैं तो अनावश्यक वार्तालाप ना करें। यदि कोई संकेत महाराज जी कर रहे हैं बताना भी है तो हाथ रख लें, साइड में रख लें, उसके बाद बोलने का प्रयास करें। कम बोलें, जितना जितना कम बोलोगे उतना उतना जीवन विशुद्धि होगा, जिससे हमारा जो थूक है, हमारी जो अशुभ बरगना है, वह भोजन में तो ना जाए। आप कहीं ना कहीं अनजाने में पाप तो नहीं कर रहे हो। नित्य प्रति हमारे द्वारा
पुण्य की क्रियाओं में पाप क्रिया सम्मिलित हो रही है। नित्य प्रति हमारे द्वारा बहुत सारे ऐसे ऐसे अनेक कार्य हो रहे हैं जो करने योग्य नहीं है। कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है, इस बारे में चिंतन करना और मंथन करना आवश्यक है। भगवान जी का गंधक ले रहे हो आप। आजकल कुछ दुर्बुद्धि लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि भगवान का गंधक मस्तक पे लगाना चाहिए, बिल्कुल झूठ। मैना सुंदरी ने भगवान का गंधक पति को कहां का छिड़का था बताओ मुझे पहले तो। जब मैना सुंदरी ने श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर किया था तो गंधक कहां कहां लगाया था, मस्तक पे, आंख में, शरीर में? तो तुम क्या मैना सुंदरी से बड़े हो गए जो कहते हो कि गंधक सिर्फ मस्तक पे लगाना चाहिए, आंख पे लगाना चाहिए? अरे भाई, गंधक तो सर्वांग लगा सकते हो, लेकिन विवेक पूर्वक लगाने की आवश्यकता है। आज लोगों को क्या है, व्हाट्सएप और ये फेसबुक चल रहा ना, इसे लोगों को पागल कर रखा है। जो चीज इंसान को समझ में नहीं आती कुछ भी बोल रहा है। एक आदमी कह रहा है दीपक मत जलाओ, दीपक में हिंसा होती है। अरे कहां का तू अज्ञानी है, कौन सा ज्ञान पढ़ लिया? इतना संसार में बताया जा रहा है, कर्नाटक में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, वहां पर मंदिर में लाइट नहीं होती, वहां पर मंदिरों में दीपक की रोशनी होती है, 1,000 दीपक। तो वो पागल हैं लोग वहां के कि तुम ही पागल हो संसार में? आज लोगों को आ रहा है, एक कह रहा अभिषेक मत करो, अभिषेक आदि कलश से करो। अरे काहे को करो, तुम तो कहते हो कि दीपक बंद कर दो, अभिषेक बंद कर दो, कल के दिन बोलोगे मंदिर ही बंद कर दो, तुम्हारा बोलने में क्या लग रहा है? ये तो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, नहीं तो कई जगह मंदिर 24 घंटे खुले रहते हैं, 24 घंटे वहां पर पाठ कीर्तन चलते रहते हैं। ना रात्रि का निषेध है, ना दिन का निषेध है। और देव जब आते हैं ना भक्ति करने, देव कब आते पता आपको है? और अब तुम तो कहते रात को मंदिर ही नहीं आना चाहिए, 9:30 बजे का मंदिर बंद हो जाएगा तो देव कैसे आएंगे? इसीलिए मंदिरों में अतिशय चमत्कार कम हो रहे हैं। जब से लोगों ने भगवान को तालों में बंद करना प्रारंभ कर दिया तो देवता कैसे अंदर आ जाएंगे? अब लोग ये देवता को ताले की आवश्यकता है? अरे भैया, खुले दरबार में सुगंधित वस्तु सबको ही प्राप्त करना चाहता है। आजकल चमत्कार अतिशय क्यों कम हो रहे हैं? कि तुमने पूजन पे पाबंदी लगा दी, तुमने भगवान की भक्ति पे पाबंदी लगा दी। अरे लगाना है तो भोजन पे पाबंदी लगाओ, लगाना है तो शुभ विचार पे पाबंदी लगाओ। नहीं, हम तो जी 2 बजे के बाद गोला नहीं चढ़ाएंगे। अरे ये नियम लेना कि मंदिर में आने के बाद में शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पानी नहीं पिएंगे मंदिर के अंदर, तो बात समझ में आएगी पुण्य का बंद है, यहाँ आके दूसरी काम करते हो। अज्ञानता का कोई पारावार नहीं है, और लोगों ने तो बस सुना और चालू कर देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया। नाई समझते हो, नाई कौन किसे कहते हैं, हजाम, नाई, सैलून। वहां पर गया, मुझ बनवा रहा था, गलती से नाई की चाकू उसकी नाक पर लग गई और नाक कट गई। अब नाक कट गई तो क्या हुआ, जैसे ही बाहर जाता लोग क्या बोलते हैं, नकटा जा रहा है, नकटा जा रहा है, नकटा जा रहा है। वो परेशान हो गया, उसने अपने एक मित्र से कहा, तुझे पता नहीं है मैंने अपनी नाक जानबूझ के कटवाई है। बोले क्यों? मैंने नाक कटवाई तो मुझे भगवान दिखे। तो मित्र ने सोचा मैं भी नाक कटवाऊंगा। मित्र ने भी नाक कटवा ली, उसको भगवान नहीं दिखे। उसके मित्र ने पूछा भगवान दिख गए? बोले यदि मैं बोलूंगा मुझे दिखे नहीं तो लोग मुझे पापी समझेंगे। बोले हाँ, तुझे तो एक दिखे, मुझे दो दो भगवान दिखे। अब ऐसे करते 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 पूरा गांव ने नाक कटवा ली, पूरा गांव नकटों का गांव। सबसे पूछा भगवान दिखे? कोई राम बता रहा है, कोई हनुमान बता रहा है, कोई महावीर बता रहा है, सब अपनी अपनी दिए जा रहे हैं। ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने कहा नाक कटवाने से भगवान दिखते हैं तो क्यों ना मैं भी कटवा लूं, मैं भी कटवा लेता हूं। तो राजा ने भी क्या किया, नाक कटवा ली, लेकिन भगवान दिखे नहीं। लोगों ने पूछा राजा से कि आपको भगवान दिखे? राजा बोले इन सबको दिख गए और मुझे दिखे नहीं तो लोग क्या समझेंगे? तो उसने कहा तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें तो एक एक भगवान दिखे, दो दो भगवान दिखे, मुझे तो पूरा का पूरा भगवान का मंदिर दिख गया। मैंने नाक कटवाई तो मुझे क्या हुआ, पूरा पूरा भगवान का। ऐसे ही मूर्खों के सरदार होते हैं, वो क्या बताएंगे, अपनी बात सिद्ध करना। मैं ये नहीं कहता कि आप जिस मंदिर की व्यवस्था उसको खराब करो, मैं इसके पक्ष में कदापि नहीं हूं, लेकिन ये बात जरूर कहता हूं कि दीपक में हिंसा नहीं है, चावल चढ़ाने में हिंसा नहीं है,
भगवान जी का अभिषेक करने में हिंसा नहीं है, बल्कि ये तो आपके शुभ कर्म का बंद कर रहे हैं। यदि हिंसा होना चालू करोगे तो जैन मंदिर बनना ही बंद हो जाएंगे। भगवान जी के अभिषेक के बाद में जब जाते हो या सफाई होती है, सफाई होती कि नहीं होती, फिर हिंसा नहीं हो रही है, बंद करो सफाई, कैसे होगा? चटाई बिछती है, चटाई उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बोलते ना झाड़ू बुखारी पता नहीं क्या क्या पंच सुना पाप होते, फिर बंद करो सारा। लेकिन इंसान की स्थिति यह है कि बस इंसान तो ये चाहता है कि मुझे मेहनत ना करना पड़े। यदि कोई महाराज प्रवचन में कह दे कि मंदिर में आरती दीपक से नहीं करना है, मोबाइल की टार्च जला के आरती करो, फिर देखना सारे हिंदुस्तान में लोग दो दो मोबाइल ले लेके आ जाएंगे, बोले टार्च से भगवान की आरती करूंगा। क्या कर रहे, मोबाइल तो लेके ही नहीं आना चाहिए, टार्च वार्च की तो बात दूर की बात। तो जीवन में हमें समझना है शुद्धि कितने तरह की होती है। तो कहते हैं चार तरह की शुद्धि है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव की शुद्धि है। द्रव्य तो आपको पता है आपका कैसा है, क्षेत्र आपकी बस में नहीं है, काल तो चल रहा है, लेकिन भाव तो आपके अपने हैं। अपने भावों को उत्तम बनाए, सर्वोत्तम बनाए, सर्वश्रेष्ठ बनाए, यही जीवन का सार, यही मंगल सुख कामना आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश, संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।